last lap. And Bai loses. जीतने वाला था छोटे, वर्ड ऑफ विजडम, हार या जीत ऑलमोस्ट या लगभग नहीं होती, या तो होती है या नहीं होती। जी मले बाबा जी। चल चल पैसे निकाल, बैठ हारने के बाद कंजूसी नहीं करते। पॉकेट में जितना है उतना देना पड़ेगा, तू नहीं कहता ना, रिमेंबर? तू भाई नहीं कसाई है, जब भी आता है काट के चला जाता है। अभी तुझे कटवाने का इतना शौक जो है? मुझे लगा कि अब तो तुम्हें टैगोर चौक से ज्यादा ट्रैफलगर की गलियां याद होंगी ना। मैं 10 साल से लंदन में जरूर था, बट पैदा यही हुआ। यहाँ की कोई भी चीज मैं आसानी से भूल नहीं सकता। तो अगली बार शर्त लगाने से पहले ही याद रखना। अच्छा, तो इसका मतलब तुम्हें सब कुछ याद है? बिल्कुल। तो 10 साल पुरानी वो हार भी याद होगी ना? क्यों अपराजित मले बाबा? कौन सी हार? जहां तक मुझे याद है मैं कभी नहीं हारा। Really? तो तू उसको कैसे भूल गया जिसकी वजह से लंदन का टिकट कटवाया था? अरे उस भूतनी को भूल भी कौन सकता है? और तू ही तो है जिसने उसे सबसे करीब से देखा था, फिर भी तू जिंदा रहा। हमारी कॉलोनी का वॉचमैन तो बोलता है कि कॉलोनी में कोई भी मौत होती है ना तो सिर्फ उसी के कारण। और कुछ काम वाम नहीं है क्या तुम लोगों पर नजर रखने के अलावा? तुम लोग तो जॉबलेस हो ही, डरपोक कहेंगे, बट मुझे किसी से कोई डर नहीं। चाहे तो फिर से शर्त लगा लो। कैसी शर्त? वही 10 साल पुरानी भूत बाड़ी वाली शर्त।
संतोष किसी मिल गया दादा, मिल गया, हो गया होलिका दहन के लिए लकड़ियों का इंतजाम। आ जाओ दादा। अरे कहाँ ले आए? ये है ना दादा, होलिका दहन के लिए जितनी चाहे उतनी लकड़ियां काट सकते हैं। अरे तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? होलिका दहन की लकड़ी ये भूत वारिस कटवाएगा, पता है ना ये उनका घर है। उनका घर है तो हम कौन सा घर के अंदर जाकर काटने को कह रहे हैं? इसी घर की दीवार के बाहर से काट कर चुपचाप चलते हैं। चलो जल्दी से सीढ़ी लगाओ। अरे भैया इस भूत वारी के हमने बहुत किस्से सुने, आत्माओं का साया है इसमें। कर दिया ये? क्या करूं दादा, उठा लाऊं का? दो मिनट लगेगा। अरे काहे का दो मिनट, चुप, कहीं कोई आना चाहिए। चुप, जल्दी से चलो, जान बचाना है यहाँ से। बार कहा है तुझसे कितना इमोशनल हुआ मत कर, लेकिन नहीं अब तुझे तो पता है ना तेरी बीमारी की वजह से तो बाहर नहीं जा सकती है। हाँ आए बोश। हाँ बैठ। मामूनी अगर वो मर गया तो? वो मर गया तो तू उसे जिंदा कर सकती है क्या? अरे इस तरह हर बात पे परेशान होगी तो तू ठीक कैसे रहेगी? ये क्या हाल बना रखा है अपना, और अपना धागा भी उतार रखा है।
वो खरगोश बेचारा हेल्पलेस था। इसमें तेरी कोई गलती नहीं है सोना। गलती है मामूनी, क्योंकि मैं तो उससे भी ज्यादा हेल्पलेस हूँ। मैं तो अपने घर के आंगन में जाके उसकी मदद भी नहीं कर पाई। तू बाहर की बात कर रही है, तू घर के अंदर इतना बीमार रहती है। पर मामूनी सब जाते हैं ना, तू बाकी सब जैसे नहीं है और ना सब तेरे जैसे। ओपू, तू तो जानती है ना, तू छठे महीने में हो गई थी और इसी वजह से तेरी इम्यूनिटी लो है। तेरी बीमारी की वजह से ही तो मैं तुझे बाहर जाने नहीं देती। सुन, मैं तुलसी का पानी तैयार करती हूँ, तू नहा लेना। मामूनी, मुझे इस वक्त नहीं नहाना। अब जो करना है सो करना है, चाहे मन हो या ना। नहाने के बाद अपना खाना खा ले, मेज पर रख दिया मैंने। मुझे रोज रोज खसखस और करेले की सब्जी खाना पसंद नहीं है। और मुझे रोज रोज ये एक ही बात करना पसंद नहीं है। तुझे तो अपना रूटीन पता है ना, तो ये हर रोज की बहस क्यों? शॉन, मुझे जरा जरूरी काम से बाहर जाना है, किंतु टापुर है घर में, तो अगर जरूरत पड़े तो उसे बुला लेना। लोखी में ये क्या, इतनी जल्दी सो गई? एक दिन में इतना सुधार, क्या बात है? मामूनी, सुबह पढ़ने के लिए जल्दी उठी थी ना, इसीलिए। वाह, बेटा तो खूब भालो का था, किंतु ये कहीं एक दिन का चमत्कार तो नहीं है? हम्म, अच्छा सुन, तो मुझे किसी जरूरी काम से बाहर जाना है, और तू तो जानती है ना, मैं कभी ओपू को इस तरह अकेले छोड़कर नहीं जाती, और नानी भी घर पर नहीं है। तू ओपू को संभाल लेगी ना? हाँ हाँ, आप टेंशन मत लो माँ, आई टेक केयर ऑफ हर। तब है मियाशी? हाँ, तुम ही जाओ। मैं अप्पू को अकेला छोड़ के कभी भी नहीं जाती हूँ। ये माँ भी ना, माँ को सारा दिन सिर्फ महारानी अप्पू की पड़ जाती है। जब देखो अप्पू अप्पू अप्पू, और मेरा क्या, उसी का ख्याल रखो, उसी का ध्यान रखो, बस अब बहुत हो गया। हेलो, हाँ सुन ना, माँ निकल रही है। हाँ, 5 मिनट में पीछे वाले गेट पे मिल। हाँ हाँ, 5 मिनट पक्का, चल विल हैव फन। तू सच में वहां जाएगा? तू देखना, आज तो मैं उस भूतिया घर जाकर उसकी फोटो नहीं, उसके साथ सेल्फी लेकर आऊंगा। इट्स इम्पॉसिबल, आज तक कोई नहीं गया है और उसे किसी ने नहीं देखा, क्योंकि वो सब
मले मित्तल नहीं थे। अब कहाँ जा रहे? चल मेरे इस स्टेक्स बेट डबल करते हैं। अगर मैं उस भूतनी के साथ पिक लाया तो तू मुझे 10,000 दे, और अगर नहीं तो मैं तुझे 20,000 दूंगा। अब खुश? अच्छा, इतना रिस्क लेगा तू मेरे को फिर से काटने के लिए? पक्का मारवाड़ी बिजनेसमैन है तू। वेल एज दिस इट, बिजनेस से मारवाड़ी को भले निकाल दो, बट मारवाड़ी से बिजनेस को कोई नहीं निकाल सकता। नाउ लेट्स गो, आज उस भूतनी के साथ डेट हो ही जाए। की माँ को देख के डर गया? हार मान ले? मैं किसी से नहीं डरता। ओम अग्निर्ज्योति परम ब्रह्मा अग्निर्ज्योति जनार्दन अग्निहर तुम मे पापम अग्निर्देव नमो नमः। ओम गजानन। कल ना घर में बहुत बड़ी पार्टी है, फॉरेन के शेफ बुलाए, फॉरेन का मेन्यू है ना इसीलिए, और डेकोरेशंस डिजाइनर्स एंड ऑल, होम की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना मुझ पर ही है, इसीलिए देर हो गई। लो, आ गई क्वीन विक्टोरिया ऑफ पेशर में। इसे पता है कि इससे कोई बात नहीं करता, फिर भी आ जाती है रिश्ते जोड़ने के लिए हमारे त्योहारों में। चलो इसे अवॉइड करते हैं। अरे दीदी 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 थामो तो, होली की बहुत बहुत बधाई हो। वाह ये सुंदर, बहुत सुंदर लग रही हो आप। लेकिन आप बंगाली लोग तो ये सब नहीं मानते, तो फिर आप कैसे हैं? किंतु दीदी अब इतने सालों से आप लोगों के साथ रह रही हूँ तो मोहल्ला भी तो परिवार बन गया है ना, और परिवार की खुशी में तो शामिल होना ही चाहिए, है ना? वैसे कल होली का क्या प्लान है? हमने सुना आप सबको इनविटेशन दे रही है, तो आजकल कुछ ज्यादा ही सपने लग गए हैं। दीदी अब पड़ोसी होने का क्या फायदा अगर काम की बात ही ना सुनो तो? अरे सुन तो, तुझसे एक बात करनी थी। ये तो मेरे पीछे पड़ गई पूछ रही है। कुमकुम मित्तल, आप कितना भी भाग लो मुझसे, मुझसे बचना बहुत मुश्किल है। जब तक मुझे कल की पार्टी का इनवाइट ना मिल जाए मैं आपका पीछा नहीं छोड़ूंगी। आमी तो जागो ही जागो। इन लोगों ने पेंट तक नहीं बदला। Yes, मैं अंदर आ गया। यह तो कोई भी नहीं है, भूतनी भी नहीं। जब यहां आया था तो अपना हाथ तोड़ बैठा था, इस बार देखते हैं क्या होने वाला है। भूतनी को लॉक में रखने लगे। हाउ एक्साइटिंग, या कहीं ऐसा तो नहीं कि वो भूतनी जी
हे माँ दुर्गा, मैं सबकी तरह किसी से मिल क्यों नहीं सकती? मैं कब ठीक होऊंगी? मैं ऐसी क्यों हूँ? कहाँ गई है भूमि? दीदी, अरे थामो, सुना है बड़ो दीदी वापस आ रही है लंदन से। वो आ गई क्या? नहीं, वो पहले कालीबारी गई है। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई, बड़ो दीदी तो सबसे पहले काली माँ के दर्शन करती है और फिर बाकी के काम। असली काली भक्त है हमारी बड़ो दीदी। अब देखिए ना, मारवाड़ी होकर पूरी बंगालियों की तरह काली पूजा करती है। अब ऐसे ही तो सीखते हैं ना हम एक दूसरे से। मलय भी आ गया ना, इसी खुशी में आपने पार्टी रखी है ना कल, है ना? अब तो बहुत बड़ा हो गया होगा मलय, 10 साल हो चुके हैं उसे देखे हुए। पता है आप लोगों को, इतना सा था मलय जब छुपके से हमारे घर में घुस आया था, और फिर बेचारे ने अपना हाथ भी तुड़वा लिया था। याद है ना दीदी? अब तो बहुत हैंडसम हो गया होगा, अभी भी उतना ही बदमाश है क्या? दीदी, सच कहो तो बड़ा मन है मेरा मलय से इतना मिलने। दीदी, अब इस होली की पूजा में हमारी सारी नफरत, द्वेष और कड़वाहट जला दे हम। मेरा बस चले ना तो पूरी भूतबारी जला दूं इस होली का दहन में। मुझे पता है कुमकुम मित्तल, आपका बस चले तो पूरे घोषबाड़ी को ही चला के होली मनाएंगी, पर जब तक आप मुझे इनवाइट नहीं करती, मैं भी आपको ऐसी नहीं छोड़ूंगी। उसके लिए मुझे जो करना पड़े, बहुत अधूरे काम है जिन्हें पूरा करना है मुझे। एक बार मौका पेछी छाड़बो ना, नहीं तो कल्पना नाम नय आमार। अब सबके जैसे नॉर्मल होंगी। पर इसके साथ सेल्फी लिए बिना तो नहीं जाऊंगा। जब भी मुझे डर लगता है तो मैं नीली क्यों पड़ जाती हूँ?